तो इस समय आप देख सकते हैं कि हम आज एक बार फिर से एक वीडियो के साथ और पेश हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे जो दोहरी घाट से बड़हलगंज होते हुए जो फोर लेन निकला है, जो गोरखपुर मऊ और बनारस का फोर लेन है, तो आज हम उसको दिखाएंगे। जो सबसे बड़ा पुल बन रहा था जो दोहरी घाट के पास खागरा नदी के ऊपर, वह पुल पूरी तरह बनकर एक लेन पूरी तरह तैयार हो चुका है, जिस पर गाड़ियों का आवागमन शुरू हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस समय हम है दोहरी घाट मार्केट के पास। तो आज हम आपको दिखाएंगे दोहरी घाट पर सबसे बड़ा पुल जो बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है। तो अगर आपको गोरखपुर जाना है तो आप बाईपास होते हुए सीधे ना आप दोहरी घाट चाहिए ना बड़हलगंज, सीधे आप इस बाईपास से सीधे होते हुए सीधे गोरखपुर जा सकते हैं। तो इस समय हमें दोहरी घाट के पास जो बाईपास निकला है फोर लेन का, इसके साथ आइए आपको दिखाते हैं दोहरी घाट का बाईपास कितना किलोमीटर का है। तो आज हम एक बार फिर से आपको दिखाएंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं दोहरी घाट का बाईपास कितना किलोमीटर का है। तो इस समय हम दोहरी घाट मार्केट के बगल से जो फोर लेन निकला है वहीं पर है। तो आइए आपको दिखाते हैं दोहरी घाट के पास। तो आइए दिखाते हैं आपको, और हमारा जो मीटर है आप देख सकते हैं करेंगे जीरो। तो हो चुका आप जीरो, देख सकते हैं आप। तो इसके आगे अब लेके चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि कितनी गाड़ी चली है यहाँ से, कितना किलोमीटर का है बाईपास बड़हलगंज का। देख सकते हैं कि यही सामने घाघरा नदी है, जो दो भाग में यह नदी शायद बटी हुई है। तो इस पुल की लंबाई लगभग बहुत ज़्यादा है। तो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं दोहरी घाट के पास जो बाईपास फोर लेन का निकला है गोरखपुर मऊ बनारस का। तो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ गाड़ियों का आवागमन पूरी तरह शुरू हो चुका है। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल समाप्त है घाघरा नदी का। तो इस पर कुछ कार्य अभी चल भी रहा है। तो इस समय आप देख सकते हैं कि इस समय हम दोहरी घाट पर जो घाघरा नदी के ऊपर से सबसे बड़ा पुल फोर लेन का निकल रहा है। तो इस पुल की लंबाई देखने से लग रहा है काफ़ी लंबी ही है, क्योंकि बड़हलगंज बाज़ार से 4-5 किलोमीटर आगे या बाईपास निकला है। तो इस समय आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ जो है वह कार्य प्रगति पर है जो पुल का है। तो उसे भी एक आध दो महीने तीन महीने बाद वह भी लेन शुरू हो जाएगा। तो इस समय आप देख सकते हैं कि दोहरी घाट के पास हम आपको दिखा रहे हैं, तो इसके आगे आपको लेके चलेंगे दिखाएँगे। और जैसे ही थोड़ी आगे निकले तो आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ का जो पुल का कार्य प्रगति पर, और ब्रिज का तो आप देख सकते हैं कि मशीन द्वारा कार्य प्रगति पर है। तो इसके आगे आप लिखे चलेंगे, आपको दिखाएंगे। अभी तो मुझे लग रहा है मैं आधा रास्ता तक पुल का क्रॉस नहीं किया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यही घाघरा नदी है सामने जो है।
यहाँ देख सकते हैं कि गोरखपुर और पड़हालगंज गोला बाज़ार, तो यहाँ से गोला बाज़ार की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है, पड़हालगंज का 5 किलोमीटर। तो अभी हम जो द्वारी घाट से बाईपास निकला है उसी पर चल रहे हैं। तो इस समय देख सकते हैं कि पड़हालगंज की दूरी 5 किलोमीटर, गोला 15 और गोरखपुर 63, तो यानी 24 पर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। जो गोरखपुर मऊ बनारस का 4 लेन निकला है, इसके आगे हम आपको दिखाई चुके हैं। जो पुल का कार्य एक तरफ है वह शुरू हो चुका है, दूसरी तरफ कार्य प्रगति पर है। तो आपको अगर गोरखपुर से लखनऊ की तरफ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पकड़ना पड़ेगा तो यानी 27 वाला मार्ग मिलेगा। तो इस समय हम यानी 200 तब यानी 24 पर हैं। तो इस समय देख सकते हैं आप गोरखपुर गोला बाज़ार और बनारस वाली रोड पर, तो इस समय आप देख सकते हैं। तो गोला अगर आपको जाना है तो सीधे यहीं से उतरना है पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी कुछ कार्य बाकी भी हैं और ये रही हमारी गाड़ी, तो हम चलेंगे सीधे गोरखपुर की तरफ। तो यह सीधे चला जाएगा, यहाँ से आप नीचे उतरेंगे गोला वाले रोड पर और यह सीधे चला जाएगा बड़हालगंज बाईपास जो गोरखपुर सीधे चली जाएगी। तो इस समय आप देख सकते हैं कि गोला उतरने के लिए आपको अगर इस रोड से आ रहे हैं गोला उतरना है तो इसी जगह से उतरना होगा। तो दोस्तों यह मार्ग गोला चला जाएगा, तो इस समय देख सकते हैं, और यह इधर से सीधे आप बड़हालगंज की तरफ चले जाएंगे। तो आपको हम दिखा रहे हैं दोहरी घाट से जो बाईपास 4 लेन निकला है बड़हालगंज। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं बाईपास होते हुए पड़हालगंज वाले मेन रोड पर। तो सीधे आप सामने से जो देख रहे हैं गाड़ी जा रही है वह सीधे गोरखपुर चला जाएगा इसके इधर बड़हालगंज। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि हम पहुंच चुके हैं। तो बड़हालगंज की मार्केट की दूरी यहां से 3 किलोमीटर है, दोहरी घाट की 5 किलोमीटर और गोरखपुर की दूरी टोटल 60 किलोमीटर के आसपास है। तो आप देख सकते हैं कि यानी 27 के मार्ग से, तो टोटल इस बाईपास की लंबाई की दूरी की बात की जाए तो टोटल हमारी गाड़ी चली है तो आप देख सकते हैं कि 7.5 यानी कि इसकी लंबाई की बात की जाए तो 8 किलोमीटर का यह बाईपास है। तो आप देख सकते हैं। तो आपको हम दिखा चुके हैं इसके पहले भी जो घाघरा नदी पर जो दूसरी तरफ पुल का कार्य प्रगति पर ही है, तो आप देख सकते हैं। तो टोटल इस बाईपास लाइन की बात की जाए तो
टोटल इसकी दूरी 8 किलोमीटर के आसपास है। तो आप देख सकते हैं कि इस समय हम यानी 27, तो आप सीधे यहाँ से गोरखपुर चले जाएंगे और बड़ालगंज जाने के लिए इसे कटना होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस समय हम आपको दिखा रहे थे जो द्वारी घाट के पास से जो बाईपास घाघरा नदी पर सबसे बड़ा पुल बन रहा था, तो यहीं से हम वीडियो को भी समाप्त करेंगे। अब मिलेंगे किसी और दिन।